नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। इस सत्र में आज हम समझने वाले हैं सिमिलर ट्रायंगल्स, जो कि होगा भाग दो, यानी भागे की बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एनसीईआरटी ऑफिशियल अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो उस पर उसका लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाकर उसको दोबारा से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट ऑफकोर्स अगर हम ट्रायंगल्स की बात करें तो यह है मैथमेटिक्स कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। इससे संबंधित अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। टेलीविज़न पर देखें ये टेलीफोन नंबर 8800440559। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं ऑफिशियल मेल आईडी फॉर क्लास 10 स्टूडेंट, विच इज़ dts.class10@cit.nic.in। कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ रही हैं मिस सविता ग्राक, जो कि गीता निकेतन आवासीय विद्यालय सालालपुर रोड कुरुक्षेत्र, जैसे कि मैंने आपको बताया हरियाणा में है, और खासी मेहनत होती है सविता जी के सेशंस में। बहुत बहुत स्वागत है सविता जी आपका। जी नमस्कार धर्मेंद्र जी, और हमारे सभी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत नमस्कार। चलिए आज हम ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, पार्ट टू है। जल्दी से एक मिनट के अंदर में थोड़ा सा रिकैपिटुलेशन हो जाए, उसके बाद फिर हम पार्ट सेकंड की तरफ चलें। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, तो ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें, हमने सेशन वन में जो डिस्कस किया, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिमिलैरिटी। इन जनरल सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया, हमारे आस पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के सिमिलर हैं, और उसके बाद हमने डिस्कस किया सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, स्पेसिफिकली अबाउट ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी को हमने डिस्कस किया। टुडे वी विल स्टडी मोर अबाउट ट्रायंगल्स एंड देयर सिमिलैरिटी, उनके क्राइटेरिया क्या क्या रहते हैं सिमिलैरिटी को चेक करने के, प्रूव करने के, आज हम इस पर वर्क करेंगे। और हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके थे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो कन्वर्स की अगर बात करें, सीधी सी बात यही रहेगी कि जो हमने बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में प्रूव किया, उसका उल्टा प्रूव करना। अभी जो गिवन होगा वो हमें प्रूव करना है, और जो प्रूव करना था पहले बीपीटी में वो हमें गिवन है। तो देखते हैं हमारी स्टेटमेंट क्या है। द स्टेटमेंट इज, इफ अ लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio. BPT में dear students आपके पास था कि अगर हमारे पास DE कोई लाइन है which is parallel to BC, तो in that case the ratio will be same. But converse में it is given that the ratio is same, means हमें पहले से ही given है that AD divided by BD for the given figure is equal to AE divided by EC. It is given to us. और हमें प्रूव करना है that the line is parallel to the third side. That means हमें प्रूव करना है that this line DE it is parallel to the third side which is our BC. तो कैसे प्रूव करेंगे कि हमारी DE जो लाइन है वो पैरेलल है BC के? Let us see that. इसके लिए हम हेल्प लेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमें क्या गिवन था, लाइंस आर पैरेलल और रेशियो इक्वल होंगे। तो अभी हम हेल्प लेने के लिए क्या करते हैं, लेट अस थिंक कि अगर DE पैरेलल नहीं होगा BC के, इफ DE एंड BC आर नॉट पैरेलल, तो कोई ना कोई तो ऐसी लाइन या लाइन सेगमेंट होगी जो पॉइंट D से पास करेगी और पैरेलल होगी BC के। एंड वी हैव थॉट ऑफ लेट दैट लाइन बी DF, लेट DF इज पैरेलल टू BC। So, अगर DF एंड BC both are parallel, तो हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो बाय BPT, जैसा कि हम जानते हैं कि BPT को हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, और BPT की हेल्प से हम कह सकते हैं कि क्योंकि DF एंड BC parallel हैं, इसलिए दिस रेशियो AD अपॉन BD इट विल बी इक्वल्स टू AF डिवाइडेड बाय FC। ओके, तो हमें ये चीज क्लियर हो गई कि यस बाय बीपीटी ऐसा होगा ही होगा। नाउ लेट अस सी दीज टू इक्वेशन, वन व्हिच इज गिवन टू अस एंड सेकंड जो अभी हमने विद द हेल्प ऑफ बीपीटी कैलकुलेट की है। दोनों ही इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड्स आर सेम, एडी अपॉन बीडी, एंड इन द सेकंड इक्वेशन आल्सो एडी अपॉन बीडी। अगर लेफ्ट साइड्स इक्वल है तो राइट साइड्स विल आल्सो बी equal, so we can write that from our equation number 1 and 2 the right sides will also be equal, that means AE upon EC equal hoga iske AF divided by FC।
अब हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी फिगर को और फिगर में जरा देखते हैं कि कहां पर है ए ई. दिस इज आर ए ई एंड दिस इज ई सी. सिमिलरली अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ फोकस करें, दैट मीन्स दिस ए एफ. सो दिस इज ए एफ एंड व्हाट अबाउट एफ सी? दिस इज आर एफ सी. सो ये दोनों ही डिस्टेंसेज अलोंग द सेम लाइन सेगमेंट मूव कर रहे हैं. सेम लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हुआ कि ए सी लाइन के अलोंग ही हमारे पॉइंट ई भी हैं और पॉइंट एफ भी है. तो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम दो अलग अलग पॉइंट्स के लिए ये बोलें कि रेशियोज आर इक्वल. यानी अलोंग द सेम लाइन सेगमेंट्स दो अलग अलग रेशियोज सिर्फ और सिर्फ तब इक्वल हो सकते हैं जब पॉइंट एफ और पॉइंट ई क्या हो जाए, कोइंसिडेंट. सो वी विल राइट दैट इट इज पॉसिबल only if F coincides our point E. और अगर F E को coincide कर जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने ये जो different line segment सोची थी कि DF parallel है BC के, अगर F ही E point के साथ coincident कर गया तो ये DF line भी automatically क्या हो जाएगी, it will be line segment DE. So we can say that yes, only and only DE is the line which is parallel to BC. So this is known as the converse of BPT. If the ratios are equal, then the lines will be parallel. If the lines are parallel, then the ratios are equal. Now let us discuss a few questions which are related to BPT and its converse. The very first question, it is, in the given figure, this line segment DE, it is parallel to BC. Both are parallel. Okay. AD given hai 2.4 centimeter. We have also been given the measurement of AE, which is 3.2 centimeter. And we have been given EC, which is 4.8 centimeter. Calculate karna hai complete length of the line segment AB. To dekhi, agar AB hume calculate karna hai, to AB ko hum likh sakte hai, AB equals to AD plus BD. AD already हमें given है, it is 2.4 centimeter, but the length of BD is not given to us. लेकिन वो length निकालने के लिए clue हमारे पास है, what that is, हमें पता है that DE and BC both are parallel, और अगर DE and BC parallel हैं, therefore by BPT, AD divided by BD, it will be equals to AE divided by EC. Now we will put all the known values here. हमारे पास AD की value है, हमारे पास AE given है, and EC is also given to us. So after putting all these values, we will solve this equation and will be able to find the value of our BD. So simply, calculation हमें करना आता है. If decimal will be removed, it will be a 10 at the denominator, it will be a 10 at the numerator, it will be a 10 at the denominator. Cancel whatever is possible here. As 16 times 2 and 16 times 3, then it is 12, it is 1. And as a result, the value of BD is 3.6 centimeter. Okay. If BD is 3.6 centimeter, we have been asked for AB. So AB hum kaise nikal payenge? AB is equal to AD, which is 2.4, plus BD, which is 3.6. So on adding both of these, we are able to find the length of the line segment AB. Right. So here is the next question, which is again of the same type. In the given figure, DE and BC both are parallel. Okay, these two line segments are parallel to each other. AD is given to be 4x minus 3. Jo important cheez yahan par notice karne wali hai, important baat notice karne wali hai, wo kya hai? Yahan par hame 3.6 cm aur 4 cm aisa kuch nahi diya, balki ek unknown variable yahan par introduce kiya gaya hai, which is x. AE given hai, which is 8x minus 7. Similarly, BD is given to us 3x minus 1 and EC bhi already given hai, which is 5x minus 3. Hame find karni hai value of our variable x.
तो एक्स वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए लेट अस गिव अ क्लू ओनली एंड आवर व्यूअर्स विल सॉल्व इट देमसेल्व्स. इफ बोथ ऑफ दीज आर पैरेलल देन बाय बीपीटी यस वी कैन से दैट एडी डिवाइडेड बाय बीडी इट इज इक्वल्स टू एई डिवाइडेड बाय ईसी. We will put all the known values in place of AD, BD, EC and AC. और सभी values put करने के बाद there will be an equation. आप cross multiply करेंगे, उस equation को solve करेंगे और x की value calculate करेंगे. और जब भी आपका question solve हो जाएगा, आप अपने answers comment session में जरूर भेजें. तो लेट अस प्रोसीड अहेड. अभी तक जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना था. कैलकुलेटिव पोर्शन हमारे व्यूअर्स को इजी लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम. अभी यहाँ पर क्या करना है हमें, वी हैव टू प्रूव समथिंग. हमें कोई बात प्रूव करनी है. क्या हमें प्रूव करना है? इट इज बी ई. तो हम पहले अपनी फिगर में डार्कन कर लेते हैं इन पोर्शन को. नॉट बी ई, इट इज बी एफ डिवाइडेड बाय एफ ई. Okay, we have to prove that it is equals to BE, so BE, and it is divided by EC. In two ratios ko equal prove karne ke liye hum try karte hain ki given kya hai, use karte hain iska. We have been given DE and AC are parallel. To dekhiye, agar DE, this is your line segment DE. And this is our line segment AC. तो अगर हम इन दोनों line segments को discuss करते हैं, तो हमें ध्यान में आती है triangle ABC. Triangle ABC में DE and AC both are parallel. और अगर ये दोनों line segments parallel हैं, तो yes, apply BPT. हमारे पास आ जाता है BD divided by AD. BD divided by AD, it is equals to BE divided by EC. Let us consider it as our equation number one. And now we will proceed towards the second given thing, which is DF is parallel to AE. Here is DF and this DF is parallel to AE. So agar DF or AE parallel hai, तो हमें यहाँ पर कौन सी ट्रायंगल की तरफ फोकस करना है ध्यान में आता है. द ट्रायंगल विल बी यस ओनली दिस वन ए बी ई. इस ए बी ई ट्रायंगल में डी एफ आपको पैरेलल गिवन है ए ई के. सो बिकॉज ऑफ दिस हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज बी डी डिवाइडेड बाय ए डी इज इक्वल टू बी एफ डिवाइडेड बाय एफ ई. Again, by BPT. So this is your equation number two. और अगर हम first and second इन दोनों ही equations को compare करते हैं, तो left sides are equal. BD upon AD in both of the cases. So from equation number first and second, we are here with the required result. Yeah, I hope this is clear to our viewers. So such type of questions will be there related to BPT. Let us discuss one more question of the same type. What it is? We have been given a trapezium. This time directly a triangle nahi given hai hame, but a trapezium is given to us in which we have been given ke side AB of the trapezium. It is parallel to the side CD. Hame pata hai trapezium mein one pair of opposite sides parallel rehta hai. And E and F both are the points on the non-parallel sides par do points hain. These are E and F. Such that EF is parallel to AB. This side EF or AB parallel bhi given hai. Jo prove karna hai, that is this ratio AE upon ED. Ye ratio equal aa jaye BF divided by FC. Okay. For proving this, we will go for a construction. Hame pata hai geometry mein construction helps us a lot to solve the question. What that construction is, we will join any of the diagonal. Of our trapezium. हमने जो diagonal join किया, A को C से join कर दिया. जैसे ही A को C से join किया, तो EF को AC एक point पर cut कर रहा है, that is supposed as point O,
एंड नाउ वी कैन सी टू ट्राइंगल्स हियर. लेट अस हाईलाइट दीज टू ट्राइंगल्स. द फर्स्ट ट्राइंगल इज ट्राइंगल ए डी सी. सो इन दिस ए डी सी ट्राइंगल क्लियरली ई ओ एंड डी सी पैरेलल है. तो आप अप्लाई करेंगे यहां पर फिर से बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि अप्लाई करने पर वी आर राइटिंग इट डायरेक्टली. हमारे पास आ रहा है ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी. लेट इट बी आर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. बिल्कुल इसी तरह से अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं तो हमें दिखाई दे रही है एक अलग ट्राइंगल विच इज ए बी सी. और इस ए बी सी ट्राइंगल में ओ एफ एंड ए बी बोथ आर पैरेलल. तो अगर हम इन पैरेलल कॉन्सेप्ट्स को पिक करते हैं सो वी आर एबल टू गेट दैट ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल्स टू बी एफ डिवाइडेड बाय एफ सी. फिर से अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को ऑब्जर्व करते हैं सो देयर इज अ कॉमन साइड. दोनों ही इक्वेशंस में ए ओ अपॉन ओ सी यूज हो रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ए ई अपॉन ई डी विल बी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी. ऑल राइट, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन समहाउ डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज जो हमने अभी तक डिस्कस किया शेयर किया बट पीपीटी यूज होगा. द क्वेश्चन इज प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. सो लेट अस कंसिडर द ट्राइंगल टू बी ट्राइंगल ए बी सी. और इस ए बी सी ट्राइंगल में हमने इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ किया इन द फॉर्म ऑफ ए डी एंड इट इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल. दैट मीन्स एंगल वन एंड एंगल टू विल बी इक्वल. दिस इज गिवन टू अस. लेट अस प्रोसीड अहेड. इट इज गिवन डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली. हमें जो प्रूफ करना है वो ये कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा. डिवाइड तो कर रहा है, देखिए बीडी और डीसी दो पोर्शंस में डिवाइड कर रहा है. हमें जो बताना है वो क्या है कि जो डिवीजन किया गया है दैट विल बी सेम इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग दैट एंगल. एंगल ए किन दो साइड्स के बीच में है, ए सी एंड ए बी. सो जो प्रूफ करना है वो है बीडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी. द रेशियो इन विच इट इज डिवाइडिंग द अपोजिट साइड एंड इट्स रेशियो विल हैव टू बी टेकन विद द साइड्स विच हैव ऑलरेडी मेड दिस पर्टिकुलर एंगल. दैट मीन्स एंगल ए को इंक्लूड करने वाली साइड्स. तो ये प्रूफ करने के लिए हम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन. एंड व्हाट इज दैट कंस्ट्रक्शन, अभी हमें इतने से कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा था हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. बट हमें पता है कि बीपीटी विल बी हेल्पफुल टू अस. तो बीपीटी का यूज करने के लिए वी आर ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट विच इज पैरेलल टू दिस एंगल बाइसेक्टर. मींस हमने ड्रॉ कर ली एक लाइन सेगमेंट ई सी विच इज पैरेलल टू ए डी. सो वी हैव टेकन ए डी एंड ई सी टू बी पैरेलल टू ईच अदर. Now let us proceed ahead. ये construction करने के बाद अब हम देखते हैं ये जो एक बड़ी triangle हमें available हो रही है, that is triangle BCE, biggest triangle here. इस triangle में construction की help से AD and EC parallel है. और अगर AD और EC parallel हैं, तो आपके पास BD divided by DC will be equals to AB divided by AE. AB divided by AE. Okay, let it be considered as equation number one. Now let us observe कि हमें प्रूव क्या करना था. जो हमें प्रूव करना था that is BD upon DC. Left hand side dear viewers आपको available हो चुकी है, मिल गई है. Right hand side में भी numerator is there, AB is there. सिर्फ और सिर्फ अभी क्या है, वी वॉन्ट ए सी एट द डिनोमिनेटर, लेकिन हमारे पास अभी आ रहा है ए ई. तो अब ए सी और ए ई को जरा ऑब्जर्व करते हैं फिगर में. दिस इज द साइड ए सी एंड दिस इज द साइड ए ई. इसी तरह से हमें ये प्रूव करना है कि ए सी और ए ई दोनों क्या हो जाएं, एक दूसरे के इक्वल. तो इनको इक्वल प्रूव करने के लिए लेट अस स्टार्ट डूइंग समथिंग.
वी नो इन एनी ट्राइंगल, रिकॉल करते हैं छोटी सी बात, इफ दिस इज अ ट्राइंगल एंड इन दिस ट्राइंगल एंगल वन एंड एंगल टू आर इक्वल, देन द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. सो वट वी विल ट्राई टू डू, हम इस ट्राइंगल ए ई सी में एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल प्रूव करने का एक बार कोशिश करते हैं. सो लेट अस डू. कैन आई से दैट एंगल 2 एंड एंगल 3 आर इक्वल? यस यस, यू कैन आल्सो राइट इट इन द चैट बॉक्स. क्या एंगल 2 और एंगल 3 को इक्वल कह सकते हैं? इफ यस, देन बाय व्हिच प्रॉपर्टी यू कैन से दिस? दिस कैन बी सेड, रीजन बीइंग अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल. सिमिलरली एंगल 1 एंड एंगल 4 ये भी दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि हमें पता है जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल, देन दीज टू एंगल्स विल ऑलवेज बी इक्वल बिकॉज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. देयरफॉर वी विल से दैट एंगल 1 एंड एंगल 4 आर ऑल्सो इक्वल. अब देखिए, हम ऑब्जर्व करेंगे इन थ्री इक्वेशंस को. The first is angle 1 is equal to angle 2. Now angle 2 is equal to angle 3 and angle 1 is equal to angle 4. So agar hum in dono hi teenon hi equations ko observe karte hain, so we are able to find that angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4 all are equal. 1 4 ke equal hai, further 2 or 3 equal hai, 1 or 2 equal hai, so all of these are equal. एक बार फिर से इस बात को डिस्कस कर लेते हैं. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, देयरफॉर 1 एंड 3 आर इक्वल. लेकिन अभी 1 फिर से 4 के भी इक्वल है, 1 एंड 3 इक्वल है, एंगल 1 एंड एंगल 4 इक्वल है, इसलिए हमारे पास क्या हो गया, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर ऑल्सो इक्वल. लेट अस राइट दीज एंगल्स हियर अगेन. ओके, if these angles are equal, then what can we say about the sides AC and AE in triangle ACE? These will also be equal, reason being the same, sides opposite to equal angles are equal. Aur agar hamare paas AC aur AE equal aa gaye, in this equation in place of AE hum AC put kar denge and we are here with the required result. This is very important question, dear viewers. All right. Now let us discuss criteria for similar triangles. Similar triangles होता क्या है वो हमने discuss कर लिया कि कोई भी ऐसी दो triangles जिनके angles equal हो, corresponding angles equal, not for equilateral triangles only, बल्कि हमारी triangles scalene है या isosceles है या किसी भी type की है, बट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इन द सेम रेशियो और मस्ट बी प्रोपोर्शनल. जैसे हमने यहाँ पर दो ट्राइंगल्स ड्रॉ की हैं, वन इज ट्राइंगल ए बी सी, अदर इज ट्राइंगल डी ई एफ. शेप और साइज को देखकर ही क्लियर हो रहा है एटलीस्ट दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वही होती है जिनमें शेप और साइज दोनों इक्वल हो, बट यहाँ पर साइजेस डिफरेंट है. Okay, so angles are equal. If I see angle C is equal to angle F, angle A and angle D are equal. Similarly, angle B of the first triangle and angle E of the second triangle both are equal. Savita ji, last 3 minutes we have. माफी चाहूँगा, मैं आपको समय का भी थोड़ा सा भान करा देता हूँ. जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, thank you. And if there is any query from our viewers still? Not so far. Right. Okay. So let us proceed ahead. हम बात कर रहे थे कि इन्हें हम बोलते हैं similar triangles और similarity के लिए जो symbol होता है that is this. So we will write it as triangle ABC is similar to triangle DEF. ध्यान रखेंगे viewers कि जब भी हमें similarity को symbolically लिखना है तो symbolically लिखते हुए corresponding parts के according आप लिखेंगे. हमें पता है एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, तो एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डेंस में आप एंगल डी ही मेंशन करें. अगर आप यहाँ पर डी ई एफ के प्लेस पर ट्राइंगल ई एफ डी लिख देते हैं, सो मीनिंग चेंज हो जाता है. उसका मतलब हुआ दैट एंगल ए एंड एंगल ई आर इक्वल. सो बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग दिस.
एंड हेयर आर द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट कमिंग सेशन में करेंगे, बट क्राइटेरियाज हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं. द फर्स्ट इज एंगल 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 और इट इज ऑल्सो नोन एज एंगल एंगल. अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स दूसरी ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगी, गारंटीड है. ऑल सिक्स पार्ट्स ही हमें हमेशा गिवन होंगे ऐसा मस्ट नहीं है. अगर तीनों एंगल्स गिवन है और इक्वल आ रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो गारंटीड है कि वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगी, यानी कि उनकी साइड्स का रेशियो बिना दिए हुए भी हम समझ जाएं कि इक्वल ही होगा. और नेक्स्ट हमारे पास जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है इट इज एस एस एस. देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी क्यू और डी ई का जो रेशियो है दिस इज 2.5:5, कैंसिल करने पर 1/2 आ रहा है. सिमिलरली 2/4, 1/2 अगेन, 3/6, 1/2 अगेन. तो इसे हम बोलते हैं एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. एंड द लास्ट वन फॉर टुडे इज एस ए एस, यानी कि दो साइड्स और उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल हो. एंगल इक्वल होगा, साइड्स का रेशियो इक्वल होगा. एक्स वाई अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू वाई जेड अपॉन क्यू आर एंड द एंगल बिटवीन दीज साइड्स एक्स वाई और वाई जेड के बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल वाई. इसी तरह से एंगल क्यू ये इक्वल होंगे. अगर ऐसा है तो हमारी ट्राइंगल्स को हम पहचान सकते हैं कि यस ये सिमिलर है या नहीं. सो वी विल प्रोसीड अहेड इन आर नेक्स्ट सेशन बाय सॉल्विंग अ फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल. जी धर्मेंद्र. बिल्कुल सार्वगर्भित गागर में सागर भरने वाली बात है. कम हमने वक्त लिया लेकिन कितनी काम की चीज़ें यहाँ पर हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ आपने शेयर करी. और डेफिनेटली सविता जी जितनी भी मेहनत का सेशन आपके होते हैं बड़ी बारीकियों से आप उस पॉइंट्स को लेकर आती हैं. और ये तो खैर 10th स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे थे, मैथ्स की बहुत ज़रूरी हो जाता है कि छोटी छोटी जो बारीकियाँ उनको आपको ज़रूर समझना है, क्योंकि घर पर तो इस समय क्लासेज जो आपकी चल रही हैं अभी आप ऑफलाइन स्कूल में शायद उतनी शिरकत नहीं है. यस धीरे धीरे हम ज़रूर उसकी तरफ मुखातिब हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर प्रैक्टिस में ये सारी चीज़ें लानी है तो इन सारी बारीकियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए. सविता जी जल्दी से एक प्रश्न और मुझे आप छोटी सी बात का जवाब दें. कल भी शायद एक मैथमेटिक्स में मैंने इस बात को रखा था सब्जेक्ट में, टेक्स्ट बुक को कितना ज़रूरी है कि आप रेदर देन अदर, चूँकि 10th स्टैंडर्ड पर हम अदर रिसोर्सेज की बात करते हैं, गाइड ले लिया या हमने कोई मॉडल पेपर ले लिया, तो टेक्स्ट बुक बनाम ये जो मॉडल पेपर्स हैं उनको आप किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो आप जितना मर्जी आप मॉडल पेपर वगैरह ले लें शायद वो उतनी सहायता आपको नहीं कर पाए. जी धर्मेंद्र जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो रियली इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न. टेक्स्ट बुक से जब तक स्टूडेंट नहीं करेंगे तब तक उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे. कोई भी अभी अगर आप बात करें सीबीएसई बोर्ड के हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं एंड टुमारो इट इज मैथमेटिक्स पेपर, तो आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स हु आर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड. एंड अभी बच्चे जो भी एग्जाम्स दे चुके हैं, यस मैम द क्वेश्चंस वर फ्रॉम एनसीईआरटी इन माय साइंस एग्जाम इन माय एसएस एग्जाम एज वेल. तो जब तक हम टेक्स्ट बुक से बारीकियों से पहले चीज़ों को नहीं समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. एंड हेयर इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एज वेल, जहां पर मोर देन एनफ कोर्स के भी क्वेश्चन हैं. सो दीज आर मोर देन एनफ फॉर आर ऑल द स्टूडेंट्स. एब्सोल्युटली, तो ज़रूर मैं समझता हूँ कि जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं हमारे दसवीं के छात्र वो इस बात को ज़रूर अपने अमल में रखेंगे और टेक्स्ट बुक को ज़रूर आधार बनाए. देखिए आपको उतनी सारी चीज़ें वहीं पर ही मिल जाएंगी, फिर जब आपको नॉलेज उतना हो जाता है तो फिर हम एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं तो शायद वो उतना आसान हो. बहुत बहुत शुक्रिया सविता जी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, अपना अमूल्य समय हमारे बच्चों को देने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर दिस. जी धन्यवाद. थैंक यू. और जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे थे जाने की कहीं भी जरूरत नहीं, अगला जो सेशन है वो इकोनॉमिक्स से सोशल साइंस के अंतर्गत, तो वहाँ हम पढ़ेंगे मनी एंड क्रेडिट. एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए मेरे साथ.